Hello students, in this session we will continue with exercise number 1.2, question number 6. Explain why 7, 11, 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 are composite numbers. तो सबसे पहले तो one thing we know that कि we have two types of numbers. एक होते हैं prime, एक होते हैं composite. अब prime वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही factors हो, one और वो खुद. और कंपोजिट वो होते हैं जिनके वन के अलावा और खुद के अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट होते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट नंबर जो दिया है उसके लिए, 7 × 11 × 13 + 13. अब ये दोनों में से हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 × 11 + 1, दैट मीन्स वी हैव 13 × 77 + 1. अब 13 × 78 करेंगे तो दैट विल गिव यू 13 × 13 × 6, राइट. दैट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर है उसके तीन फैक्टर्स मिले हैं हमें, 13, 13 और 6. मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं ही हो सकता. तो फिर ये कौन सा होगा? डेफिनेटली इट हैज टू बी अ कंपोजिट नंबर, क्लियर. और फिर सेकंड नंबर के लिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5. अब ये टर्म और ये टर्म में से 5 कॉमन ले लो, मतलब वी हैव 7, 6, 4, 3, 2, 1 + 1. अब 5 रिमेन एज इट इज, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 1008 + 1, यानी कि 1009. तो गिवन जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स मिले हमें, एक 5 और एक 1009, यानी कि वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता. तो फिर कौन सा होगा? डेफिनेटली इट हैज टू बी अ कंपोजिट नंबर. सो बोथ द गिवन डिजिट आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर्स, क्लियर.